एक मेरे स्टूडेंट का यूट्यूब पे मैसेज आया था, यूट्यूब के स्टूडेंट का, कि सर जो यंग लड़के बैड हो जाते हैं तो उनकी मोटिवेशन के लिए स्पीच बनाएं। तो मैं दोनों का बता देता हूँ, अगर कोई बर्ड है या इससे ज्यादा फैट है तो बहुत ज्यादा आजकल मजाक उड़ाते हैं। जो लोग बिल्कुल फारिग होते हैं ना, जिनको कोई काम नहीं आता, दूसरों को हर्ट करना उनको आता है, और दूसरों को हर्ट, दूसरों का मजाक वही उड़ाएगा जो बिल्कुल फारिग होगा, वही दूसरे के घर में जागेगा, जिसके अपने घर में कुछ होगा ही नहीं ना, अपने ना दिमाग में होगा ना अपने स्किल्स होंगे, उनके पास काम ही होगा। बचपन में ऐसा बहुत होता है, कोई लड़का बहुत मोटा है उसको मोटे आलू पिलपिले कह के कोई छेड़ते हैं, कोई गंजा है तो गंजे पटेल तेरी खोपड़ी में तेल, इस तरह के जुमले और जो बड़े टीसिंग होते हैं। और अक्सर लोग बेचारे जो बड़े सेंसिटिव होते हैं, अगर वो बहुत मोटे हैं या टीन एज में बिल्कुल गंजे हो गए और उन पर जब तनकीद हो रही होती है, वो बहुत ज़्यादा बेचारे उसको ले लेते हैं, चिढ़ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, नतीजन पूरी उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है, वो साइको भी हो जाते हैं, अपना कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं, लोग उनको डराते हैं तुम्हें कोई जॉब नहीं मिलेगी, तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा। मेरे प्यारे भाई, आप अगर बहुत ज्यादा मोटे हैं तो मोटापे को तो देखें, इंसान बड़ी हद तक खुद भी कंट्रोल कर सकता है। रह गई बात बाल्ड होने की, या कोई ऐसा जिस्मानी ऐप आपके अंदर जिसमें आपका कोई कसूर नहीं है, लंगराड है, रंग बहुत काला है, ठीक है, तो काले दिल वाले याद रखें, वेस्ट इंडीज की टीम ने कभी राज किया था, बॉक्सिंग में हमेशा कालों का राज रहा, ठीक है जी, पॉप सिंगिंग में माइकल जैक्सन, बोनी एम, इन सब का राज रहा, बहुत सारे लोग जो बड़े फरबा जिस्म के थे उन्होंने बड़े कारनामे अंजाम दिए, अदनान समी आप जहन में रखें। और दुनिया का सबसे टॉप सिंगर है पिटबॉल, अब देखें तो वो गंजा है, अमेरिका में तो ये होता है कि अगर किसी के थोड़े बाल गिरते हैं वो पूरा अपना आपको फुल बैल्ड करा लेते हैं और बड़े हंसते मुस्कुराते लाइफ गुजारते हैं। अगर आप बर्ड हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप ड्रेसिंग अच्छी करो, ऐसे हैंडसम देखो कि आ यार, एक बड़ा मशहूर किरदार है कोजक, फुल गंजा था और हीरो आता था वो फिल्मों में, बहुत सारे गंजे एक्टर अमेरिका इंडिया में तो बहुत हिट हुए हैं ऐसे, ठीक है मेरे भाई, आप कॉन्फिडेंस ले आओ, आप एजुकेशन अपनी लोगों से अच्छी कर लो, आप अपनी ड्रेसिंग अच्छी कर लो, आप अपना फाइनेंशियल स्टेटस उन लोगों से अच्छे कर लो जिनके सर पे बहुत बाल हैं। आप सोचो कि अल्लाह ने मुझे इतनी खूबसूरत खोपड़ी दी है, मैं उसको बालों से क्यों डरूं, ठीक है। आप बहुत मोटे हो तो आप सोचो यार कि ठीक है अल्लाह ताला मुझे खाने को देता है, इसलिए मैं, हाँ पेट निकलना अच्छी बात नहीं है, मैंने बहुत कम किया था बीच में, थोड़ा फिर बढ़ा क्योंकि कुछ फैमिली प्रॉब्लम है, अभी पाँव भी टूटा हुआ है जिसकी वजह से एक्सरसाइज नहीं हो पा रही मुझसे, तो अब इंशाल्लाह उसको मैं सही कर लूंगा। तो अगर कभी ऐसे सिचुएशन है तो अब ये मत सोचो कि यार लोग क्या कहेंगे, बेटा जो चीज आप अच्छी कर रहे हो गए, आपका जब नस में एडमिशन होगा लोग बोलेंगे नस बड़ी बेकार है, आपका आईबीए में एडमिशन हो जाएगा लोग बोलेंगे आईबीए बेकार है, अब एमबीबीएस कर रहे होगे लोग पूछेंगे एमबीबीएस बेकार है। हमारे मोहल्ले में एक साहब रहते थे, वो कहते थे कि यार डॉक्टरी बड़ा घटिया पेशा है, इंजीनियरिंग घटिया पेशा है, टीचिंग घटिया पेशा है। मैंने कहा आप क्या करते हैं, कह रहे हैं मेरा बिजनेस है। मैंने कहा किस चीज का, कहने लगे गटर का ढक्कन चोरी करके बेचता हूँ, उनका बिजनेस था मेरे भाई, ठीक है, हर किसी पे वो तंकीद करते थे। तो मेरे भाई लोग तंकीद करेंगे, मायूस होने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स होती है, कुछ ऐसी चीज होती है आप लोग मुझे बताएं।